जिंदगी में पहली दफा देख। काला हिरन कौन सा है भाई? ओ ना, ये तरबूजों की वाड़ी है क्योंकि घर वाले इसमें खर्चा नहीं कर रहे। आज हम लोग थोड़े दिनों के बाद, बल्कि 12 दिनों के बाद चांग से निकले हैं अपने गांव की तरफ। तो आज हम लोग बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि हरे भरे खेत नजर आ रहे हैं। इधर घुमाओ ना, ऐसे घर नजर आ रहे हैं। हर चीज गर्मी से सड़ चुकी है। हम जा रहे हैं फरूक के फार्म हाउस में, उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वो आपको आज विजिट करवाएंगे। तो अभी हमें रास्ते में है, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना? नहीं नहीं भाई, ये झूठ बोल रहा है। तकरीबन 5 किलोमीटर नहीं भाई, 10 किलोमीटर तो गुजरा। 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर। इसलिए वीडियो में कोई झूठ नहीं, क्योंकि मिलते आगे जाकर इस बकवास। ये है बफेलो काउस, नहीं गाओ। ये छोटा सा मेमना आज बाइक के नीचे आने वाला है। ये सन तकरीबन 1970 से 75 तक की है ये कोठी। हाँ। और इसमें तकरीबन अब कोई नहीं रहता। इसमें अगर रह सकते हैं तो वो तुम और मैं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सूरत ही ऐसी है। बड़े तो चलो करें, अंदर नहीं जा। वीडियो तक तो बना मंडे विश यू गुड लक ताज मंजिल। ये भी काफी पुरानी है, आप देख सकते हैं। मेहरबानी कर, ठीक हो गया मैं। अब हम लोग बाबा रसन गरवाना के फार्म पे जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ जानवर में मिलेंगे, तो आओ हम आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ पर कौन कौन से परिंदे या जानवर हैं। तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। हम जा रहे हैं अंदर फार्म के, बाबा रसन से मुलाकात करें। खैर करी। अस्सलाम वालेकुम जी। कुत्ता कोई खास नस्ल है? ए वो नहीं जरा ठंडे इलाके रहा बर्फ कोई तो ना। इसका ना ही हस्की, ये ज्यादातर होता है ठंडे इलाके, गर्म इलाके नहीं रह सकता। ए सी तो ज्यादातर रहा, पता नहीं इतने किए पता। मक्खी भी यही ध्यान करे, मक्खियां मगर मैं जनाब और दे अब आगे चलकर आपको मजीद दिखाते हैं फार्म हाउस। फ्री है ना कहना है। ये कुछ परिंदे हैं, इनके नाम का फरूक को पता होगा। क्या बोला तूने? आपको नाम का पता होगा इनके। इनका नाम परिंदे हैं, जिंदगी में पहली दफा देखे हैं।
उनके जो कलर है वो डिफरेंट है। बस अल्लाह की कुदरत का निजाम है। ये साथ इन्होंने तालाब एक बनाया हुआ है छोटा सा, ये कबूतर हैं सफेद रंग के, ये इनके लिए इन्होंने ये घोंसला बनाया हुआ है, ये घोंसला नजर, ये पानी इन बतकों के लिए, ये कोई बहुत स्पेशल किस्म की बतके नज़र आ रही करके दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ना ये वाली, ये कोई ख़ास स्पेशल किस्म की है। अच्छा ठीक हो गया जी, ठीक लिखो लिखो ये लिखते चलो। इन परिंदों का नाम का हमें नहीं पता, अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट में बता दे। बाकी ये बतके हैं ये तो हमें पता चल गया है, और अब आगे मज़ीद चल कर जाते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये एक छोटी सी बनी हुई है पानी के लिए कस्सी, उसके ऊपर ये रैंप लग, हाँ रैंप इसे कस्सी कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक और तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है, आपको उधर से चेक करवाते हैं, आ जाओ। हाँ समझ रहे हो, ये क्या चीज़ है, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे मकाम से आप। ये आप देख सकते हैं इसका पानी का रंग जो है वो चेंज है, ये पानी कहाँ से आ रहा है फ्रूक यार, मुझे लगता है या प्रदेश में आए, प्रदेशी लोग हैं ये इतना, बस ये कोई परिंदा पानी में तैर रहा है। ये सामने अमरूद का बाग है, इधर इस साइड पर जो है ये कोई ट्यूबवेल लगे हुए हैं यहाँ पर जो पानी आता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रॉक की गफला चेक करें, बाइक उसने खड़ी की है और चाबी उसी में है, ये देख सकते हैं लापरवाह इंसान है बहुत। बस थोड़े से वो परिंदे हैं, हम सुना तो हमने काफ़ी था, एक मेरा कज़न है वो बहुत झूठ बोलता है, वो कह रहा था कि ये शितर मुर्ग होंगी, ये परिंदे होंगे, फलानी चीज़ होगी, दिमगानी होगी, लेकिन हमें वो तो सिर्फ नज़र आए, बाकी और चीज़ तो कोई नहीं मिली। ये यहाँ पर तस्वीर बना रहा हूँ मैं, ये था यहाँ का फार्म हाउस, यहाँ पर चांद परिंदे आपको हमने दिखाए हैं जो यहाँ पर मौजूद थे। अब वापस चलते हैं गाँव, इसको वापस छोड़ना है घर, ये मैंने आपको छोड़ना है। चल गाड़ी स्टार्ट कर, हम इतने दूर से आए हैं कि हमें जानवर मिलेंगे परिंदे देखने को, वो हमें नहीं मिले। अब ऐनक दे दे, ऐनक दे, ऐनक मेरी है, तुम्हारी किधर है, चलो ये इस्तेमाल कर लो ड्राइविंग के दौरान। अंकल जी बता रहे हैं कि एक काला हिरन है नासराबाद, कहीं देखे जाता हूँ, वही मैंने देखा हुआ, हाँ वही पता करते हैं वहाँ पर, यहाँ पर तो काला हिरन है भी नहीं। कहाँ एक और फार्म में हमें पता चला है कि वहाँ काले हिरन है, ठीक है काम से भी। खरगोश और खरगोश का बच्चा, अभी अब हम आपको हिरन दिखाने जा रहे हैं, ये हिरन है, काला हिरन कौन सा है, काला हिरन तो कोई नहीं यहाँ पर, वो ओपन किया है
कहते हैं जो कस्तूरी होती है खुशबू वो इनकी नाफ में मौजूद होती है। ये एक किराना है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमें सलाम कर रहा है। ये मोर तुम्हारी सवारी वो है ऐनक दे तुम्हारी सवारी वो है तुम्हारी फोटो इसके साथ बनाता हूँ बस कर बस कर ईरान तो पीला ईरान तो नीला ईरान तो इडवाने नहीं इडवाने ये इडवाने देखे आप तरबूज जांगली जबान में इसको इडवाने बोलते पूछा मैंने कुछ। अब आपको हम दिखा रहे हैं तरबूज की जो वाड़ी है वो ये तरबूजे पड़े हो भाई भाई हो ना ये तरबूजों की वाड़ी है। ये सामने ट्रक लोड हो रहे हैं ट्रक लोड होकर मंडी में जाएंगे वहां पर जो है ये सेल होंगे सारी गड्डी लाल है लाल है लाल है सारी गड्डी सारी लाल है लाल 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 है लाल है सारी गड्डी लाल है सारी गड्डी लाल है तेरी वैसे ही लाल है। ये तरबूजे पड़े हैं शायद खराब होने हैं वो ट्रक सामने लोड हो रहे हैं लोग देख रहे हैं लोड कर रहे हैं ये आपके इनके साथ पिक्चर बनाता हूँ। ये आए हैं ये तरबूजे देखे कैसे जाया हुए पड़े हैं ये तुम्हारी तरह गले हुए हैं ये तरबूज नलका है सायादार दरख्त में तो यहाँ से जो है फ्रेश होते हैं मुंह हाथ धोते हैं। हो सेवल वेटरनरी डिस्पेंसरी नासराबाद जांग ये एक साथ छोटी सी दुकान है सामने ट्यूबवेल है ये इधर वेटरनरी हॉस्पिटल है और नीचे दरख्त है दरख्त के नीचे नलका है नलके की हत्थी है और हत्थी फरूख के हाथ में और ये टूटी है उसके मुंह में टूटी जो है वो फरूख के मुंह में है। काफी आइटम चौप का ये भी तरबूज की फसल है छोटे छोटे तरबूज हैं थोड़ा रुकना जूम करने देना मुझे थोड़ा सा